25% इंक्रीज का मैं ऐलान कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, ये जो वफाकी बजट पेश हुआ है, ये 10% ये उन लोगों के लिए है जिनके लिए उन्होंने कहा है कि पहले भी कुछ इजाफा हुआ है कुछ 2-3 महीने पहले, और अब जो मेन जो टारगेट है, मेन जो एहतजाज जो साज़ा इकराम दीगर मुलाजमीन कर रहे थे, वो उनका मकसद ये था कि जो DRA अनाउंस है वो हमें दिया जाए। तो इस हवाले से आपने गुफ्तगू भी सुनी थी, वज़ीर आला KPK ने भी कहा है और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने, तो 25% अनाउंस उन्होंने भी कहा है, और ये 100% उन्होंने यकीन दहानी कराई थी, और ये वज़ीर आला ने इससे पहले भी लोग यकीन दहानी कराते रहे हैं और पूरे पूरे जो वक्त आते रहे हैं सरकारी मुलाजमीन के पास। लेकिन अब जो वक्त है कि अब जो वफाकी मुलाजमीन का 10% इजाफा हुआ है, तो अब जो सूबे खैबर पख्तूनख्वा और सूबे पंजाब है, इसमें उन्होंने वादा किया हुआ है कि 25% इजाफा हम ज़रूर करेंगे। वज़ीर आला ने ख़ुद आके और उनकी कैबिनेट ने भी किया था, उन्होंने वफ़ भी भेजे थे और उन्होंने भी ऐलान किया था, और बाकायदा तौर पर उन्होंने ख़ुद ऐलान किया था, आपने भी सुना था। और अब जो सिंध की बात है, तो वहाँ पर मुमकिन है कि 15% इजाफा हो जाए, पिछले साल भी 15% इजाफा हुआ था। और इसी तरह गिलगित की बात की जाए, तो वहाँ पर भी पिछले साल भी अच्छा 15% इजाफा हुआ था। तो हमें तो यही उम्मीद है कि KPK और ख़बर पख्तूनख्वा के हवाले से इंशाअल्लाह अज़ीज़ 25% इजाफा ज़रूर होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर।